ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। देश के 21 राज्यों में पहले चरण की 102 सीटों के लिए 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होगा। ऐसे में सभी पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने अपने प्रत्याशियों के प्रचार में तेजी कर दिया है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी कल राजस्थान के दौरे पर रही। इस दौरान प्रियंका गांधी ने अलवर में ललित यादव के समर्थन में रोड शो किया। वहीं दौसा के बांदीकुई में मुरारी लाल मीणा के समर्थन में जनसभा कर प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कहा कि उनकी बातें मुझे अब हल्की लगने लगी है। प्रियंका गांधी ने दौसा जिले के बांदीकुई में जनसभा को संबोधित करते हुए काले धन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि लोगों को काले धन लगाने के नाम पर गुमराह किया, अब इलेक्ट्रोल बॉन्ड की लिस्ट से सच्चाई सामने आई। मुझे सचमुच दुख होता है कि देश के साथ ये क्या हो रहा है। मेरे पूर्वजों ने देश के लिए कुर्बानी दी है। हमारे धर्म में सत्ता को कभी नहीं पूजा, हमने हमेशा सेवा को पूजा है। ये आज सत्ता के लिए सब कुछ कर रहे हैं, पैसों के दम पर सत्ता को गिरा रहे हैं। क्या यही नैतिकता अब आज के नेताओं में बची है? प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि कांग्रेस आपसे वादा कर रही है युवाओं को रोजगार और इंटर्नशिप के दौरान वेतन देंगे। हम रोजगार के लिए युवाओं को अवसर देंगे। पेपर लीक से भारी नुकसान हो रहा है। हम कानून बनाएंगे। हम जॉब कैलेंडर बनाना चाहते हैं। सबसे ज्यादा बोझ महिलाएं उठाती है। हर महिला को सालाना 1 लाख रुपए देंगे। महिलाओं को नौकरी में 50% आरक्षण, 25 लाख तक का मुफ्त इलाज देंगे। कृषि सामान को GST से मुक्त किया जाएगा। प्रियंका गांधी ने अपने बयान में आगे कहा कि 5,000 करोड़ का हम फंड बनाना चाहते हैं कि नौजवान जब अपना कुछ छोटा सा कारोबार शुरू करना चाहता है उसको उस फंड से पैसे मिले ताकि वो कारोबार शुरू कर पाए। क्योंकि हम चाहते हैं कि छोटे जो कारोबार हैं और मध्यम जो कारोबार हैं उनको हम मजबूत बनाएं ताकि रोजगार बने। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि इन 10 सालों में मोदी जी ने महिलाओं के लिए बड़ी बड़ी बातें तो की लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाए। तो हम चाहते हैं कि हर परिवार में जो सबसे बड़ी महिला है उसको सालाना 1 लाख रुपए मिले ताकि उसकी थोड़ी बचत हो जाए। 50% जो सरकारी भर्तियां हैं उसमें से 50% महिलाओं को मिलेंगी, मतलब महिलाओं के लिए हम आरक्षित करेंगे, चाहे जितने जो पहले के आरक्षण है उसी के तहत। पॉलिटॉक्स जयपुर, ये है टॉक्स न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।